अंबाला कैंट के पास लगते गांव मंगलई में एक युवक लगभग 2 साल से गोबर खाद बनाने का कार्य करता है। बात करने पर पता चला कि बैग में 2 टन गोबर डाला जाता है और 20 किलो के करीब केंचुआ छोड़ा जाता है, जो कि जर्मनी से मंगवाया जाता है। 1 महीने तक हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है और खाद बनाने के लिए थोड़ा गुड़ और बेसन का पानी भी डाला जाता है। फिर 1 महीने बाद थोड़े थोड़े दिन छोड़कर पानी देना पड़ता है। 3 महीने में खाद बनकर तैयार हो जाती है। हम 2 बैग से काफी सारे बैग तैयार कर सकते हैं और काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कम से कम जगह में ये काम किया जा सकता है। और जब खाद तैयार हो जाती है तो जमींदार लोग अपने खेतों के लिए और नर्सरी वाले अपनी नर्सरी में पौधों के लिए ले जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए अक्सर कॉलेज वाले बच्चे भी आते रहते हैं। मैं मंगलई का रहने वाला हूँ। ये केंचुआ खाद का काम करते हैं मैडम जी, मतलब कि 2 साल से कर रहे हैं इसको। अच्छा प्रोजेक्ट है जी, ठीक ठाक काम है मैडम जी। बैड हैं जी, ये केंचुआ जर्मनी के केंचुए हैं जी, ये 2 साल से काम चल रहा है जी। मैडम जी तैयार होते हैं जी, 1 केंचुए के अंदर कम से कम 20 किलो केंचुआ डाला जाता है जी। इसके बाद ये 3 महीने बाद तैयार हो जाती है। इसमें पानी मारना होता है, इसकी देख रेख करनी होती है। ये खेती वाले जाते हैं पौधा जी, जैसे गमलों में हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनके लिए बहुत प्रोजेक्ट है जी। कीड़ा मकोड़ा नहीं आता, मतलब कि जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें अपनी दवाइयाँ गिरते हैं जी, दूसरी दवाइयाँ डॉक्टर वाली उससे भी बचते हैं जी। हम यूरिया गिरते हैं उससे भी हम बचते हैं जी, बहुत ही मतलब हमारे फायदा है जी। मैडम जी अगर कट्ठी कोई ले जाता है कट्ठी, तो हम इसको कम रेट में दे देते हैं, हमारा 10 रुपये किलो का रेट है जी। एक बेड में कितने केंचुए छोड़े जाते हैं? 20 किलो मैडम। कितने दिनों में खाद तैयार होती है? 3 महीने में। 3 महीने में बनकर तैयार हो जाती है? हाँ जी। ठीक है। कितना डाला जाता, गोबर कितना डाला जाता है? इसके अंदर 2 टन गोबर डाला जाता है मैडम। एक बेड में। ठीक है। टोटल 65 बेड है। हाँ जी। ठीक है। आप करते हैं? हाँ मैडम जी, हम ही करते हैं।